हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में तुम लोग को एक ऐसे विलेज की सीट के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुम्हें शायद ही पता होगा, और उस विलेज में हमें बहुत सारे डायमंड मिलेंगे। गाइस, अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अपन लाइक एम 30 रखते हैं। चलो गाइस, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, अब अपन अपने वर्ल्ड का नाम क्या रखें? मुझे बहुत ही अच्छा नाम याद आया है, मैं तुम लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। चलो यार, मजाक बहुत हो गया। इस विलेज का नाम डायमंड विलेज है, तो इसका नाम भी अपन वर्ल्ड का डायमंड विलेज ही रखते हैं। अच्छा गाइस, मैंने वर्ल्ड का नाम तो लिख ही दिया है, अब सीड है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस, इस वर्ल्ड का जो सीड है उसको मैं तुम लोग को टाइप करके दिखा देता हूँ। वो सीड है माइनस का 18377351 04। गाइस, मैंने वर्ल्ड को क्रिएट वर्ल्ड कर दिया है। अब तुम जहाँ स्पॉन होगे तुम्हें वहाँ से राइट साइड में जहाँ रिवर जा रही है उसी तरफ जाना है। ये सीड इतना बढ़िया है इसीलिए थोड़ा दूर तो जाना ही पड़ेगा। इस रिवर को फॉलो करते करते थोड़ी देर बाद तुमको लेफ्ट साइड में घूमना है और वहाँ से सीधे सीधे चलते जाना है। चलते चलते तुम्हें रास्ते में पहले जंगल दिखाई देंगे, उसके थोड़ा और आगे तुम्हें पहाड़ दिखाई देंगे और नदी भी दिखाई देगी। गाइस, आगे चलते चलते तुम लोगों को एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई देगा, उसके पास में ओशियन होगा। तो वो ओशियन आ गया, मान लो कि तुम बहुत पास हो अपने विलेज के। अब ओशियन के जस्ट उस तरफ तुम्हें विलेज दिख रहा होगा। बस इस विलेज में हम पहुंचने ही वाले हैं और ये पहुंच गए हैं। तुम लोग तो जानते ही होगे कि लोकी क्राफ्ट के अंदर विलेजर्स में कोई लूट नहीं मिलती है, बस एक ही घर में मिलती है, वो है ब्लैक स्मिथ का। और वो भी घर इन लोगों ने इतना साइड में करके छुपा रखा है कि ताकि वहाँ कोई जा भी नहीं सके, और उसके अंदर जाने का भी रास्ता नहीं, इसलिए मैं छत के रास्ते जाता हूँ। अब गाइस, इस चेस्ट के अंदर तो तुम्हें कुछ खास सामान नहीं मिलेगा, लेकिन तुम इससे जब बाहर निकलोगे तब तुम्हें इसके पास एक डेजर्ट टेंपल मिलेगा। गाइस, इस सीड में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन डेजर्ट टेंपल है और दो विलेज मिलेंगे। ब्लैक स्मिथ के घर से बाहर निकलने के बाद तुम्हें थोड़ा इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और थोड़ा सा ही आगे चलने पर तुम्हें एक डेजर्ट टेंपल दिख जाएगा। मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ डेजर्ट टेंपल के अंदर। तुम चाहो तो थोड़ा बहुत पार्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें डायमंड मिलेंगे तो चाहो तो देख भी सकते हो। यहाँ पे टॉर्च लगाता हूँ मैं, सोलर प्लेट पे हमें नहीं जाना होता है। पहले वाले चेस्ट में आयरन है, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं है, और थर्ड वाले में कहते हमें थर्ड वाले चेस्ट के अंदर दो डायमंड मिले हैं। और अब फोर्थ वाले चेस्ट को चेक करते हैं। इसके अंदर हमें 5 गोल्ड मिले हैं, 1 बुक मिली है और सैडल भी मिला है। गाइस, इस सोलर प्लेट पे हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ब्लास्ट हो जाता है। गाइस, अब अपन नेक्स्ट वाले डेजर्ट टेंपल की लोकेशन बताता हूँ। जैसे तुम इस डेजर्ट टेंपल से बाहर निकलोगे तुम्हें थोड़ी दूर पे एक और डेजर्ट टेंपल दिखेगा, उस तरफ मैं चल के दिखाता हूँ। गाइस, वो वाला डेजर्ट टेंपल ये रहा, अब इसके अंदर मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ। अब इसके अंदर भी हम चलते हैं, पिछले वाले को तो हम लूट चुके हैं। अब यहाँ पे टॉर्च लगा दी मैंने, इसके अंदर हमें बहुत सारा आयरन और बहुत सारा गोल्ड मिला है। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले चेस्ट के अंदर 5 गोल्ड है, थर्ड वाले में हमें फिर से 2 डायमंड मिले हैं। लेकिन मेरे पिछले वाले डायमंड शायद उसी चेस्ट में रह गए यार, शिट। यहाँ पे मैं 1 डायमंड मिला है और यहाँ पे 4 गोल्ड मिले हैं। कोई बात नहीं गाइस, मेरे को तो तुम लोगों को दिखाना था कि मेरे को डायमंड मिले हैं उसमें, लेकिन तुम लोग तो देख ही चुके हो। गाइस, अब मैं तुम लोगों को थर्ड डेजर्ट टेम्पल की लोकेशन बताता हूँ। इस वाले डेजर्ट टेम्पल से बाहर निकलने के बाद हमें इसके स्ट्रेट की साइड में देखना है और राइट वाला जो है उस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं तुम्हें चलते हुए दिखाता हूँ। तुम्हें यहाँ पे एक रिवर भी मिलेगी। अब रिवर को यहाँ पे भी थोड़ी देर तक फॉलो करना है, लेकिन जब रिवर लेफ्ट में मुड़ेगी तो हमें उसकी बजाय सीधा चले जाना है। और सीधा चलते चलते हमें एक डेजर्ट टेंपल दिखेगा, तो थोड़ा ज़मीन के अंदर होगा वो डेजर्ट टेंपल, ये रहा। अब गाइस, इसके अंदर मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या लूट है। इसके अंदर हमें 4 गोल्ड मिले हैं, और दूसरी साइड यहाँ पे हॉर्स आर्मर और बुक्स मिली है, तीसरे में भी बुक मिली है, सैडल मिला है, और फोर्थ वाले में हमें एमरल्ड मिला है और 12 गोल्ड मिले हैं। गाइस, अब मैं तुम्हें सेकंड विलेज की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे भी हमें लूट मिलेगी। तो हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकलता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें राइट साइड में सीधा चले जाना और विलेज तुम्हें दिख जाएगा। गाइस, अब हम दूसरे विलेज में आ गए, और ये विलेज हर दूसरे विलेज की तरफ से थोड़ा अलग है। अलग तो कैसे कह सकते हैं, थोड़ा ग्लिच है, क्योंकि यहाँ पे घर ऊपर नीचे बने हुए हैं, थोड़े अजीब लगते हैं। लेकिन अपन तो यहाँ पे लूटने आए हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, हमें जहाँ पे लूट मिलेगी वो वाला कमरा हमारे ऊपर की तरफ है। तो अब मैं उड़ के चलता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर चल के देखते हैं आखिर क्या सामान है। यहाँ पे 3 एमरल्ड है, 3 ब्रेड है और 3 एप्पल है। अब अपन इस घर से बाहर निकलते हैं और कोई बाहर अच्छी जगह खोजते हैं आउटरो करने के लिए। आउटरो के लिए अच्छी जगह वो रहेगी। सो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने तुम लोग को बहुत ही बढ़िया सीड बताया था जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारा लूट मिला है। 58 गोल्ड मिले, बहुत सारे एमरल्ड मिले और 5-6 डायमंड मिले,
और भी बहुत सारा सामान मिला। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज मैंने पहली बार लाइव गेम रखा है वो है 30, प्लीज़ पूरा करा देना नहीं तो नाक कट जाएगी। अगर तुम चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी मैंने, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।